अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं साउंड वेव्स पे। तो इसकी रिवीजन है, लाइक हमें शॉर्टली देखना है एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कैसे रेलिवेंट P2 P4 या P6 में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है साउंड की। सो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें साउंड हमेशा ट्रेवल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। और साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। मैं दो तीन पॉइंट्स बड़ी जल्दी से लिख दिए। सबसे पहले तो साउंड के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि साउंड के ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज कैन प्रोड्यूस साउंड। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे हम बोलते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड जनरेट हो रहा है। जो सुन रहे हैं लिसनर, उसके एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके सुनने से वाइब्रेशन साउंड या वाइब्रेशन क्रिएट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एक एक्टिविटी हम लोग करते थे इन आर चाइल्डहुड कि दो खाली टिन के डब्बे लिए और दरमियान में एक स्ट्रिंग अटैच कर दी। सो यहाँ से जब आप बोलोगे तो आपका साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करेगा एंड द वाइब्रेशन विल ट्रेवल इन दिस मीडियम थ्रू द स्ट्रिंग। अगेन यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होगा और सुनने वाला सुन लेगा। सो यही जो टेक्निक है वो लैंडलाइन टेलीफोन में भी थी, एक माउथ पीस था और एक ईयर पीस था। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की बात की गई तो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन आ जाती है, साउंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? वो चीज़ जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करेगा वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है। बट द स्पीड ऑफ द साउंड सॉलिड में सबसे ग्रेटर है, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो गैसेस में है। इसको कैसे समझा जा सकता है? सबसे पहले जो ये लाइन है, इसी के साथ आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, इसलिए हमें कभी भी जो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस हो रहे हैं सन के ऊपर उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। लेकिन लाइट वेव जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इजीली हम तक आ रही है। तो साउंड वेव एक्चुअली मैकेनिकल वेव की टाइप है जिसको मीडियम रिक्वायर्ड है फॉर इट्स प्रोपेगेशन। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो व्हाई द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर? अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, द सॉलिड पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल गैप, just like there is no gap between their particles, but in liquid we have a gap between them just like this. In gases there is a larger gap between them. So when there is a need of transfer of energy in solid, the transfer of energy in solid is easier in solid, like it's the faster in solid as compared to liquid, and it will take some more time in gases. So that's why the speed of the sound in solid is greater देन इन लिक्विड इन गैसेज। सो द बेस्ट एग्जाम्पल के डिफरेंट डिफरेंट मूवीज हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पे कान रखकर आवाज़ सुनने की कोशिश की जा रही होती है कि देखी नहीं जा रही कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, ना उसका आवाज़ आपको थ्रू द एयर सुनाई दे रहा है। लेकिन ट्रैक पे कान रखने से क्यों आवाज़ सुनाई दे रही है? क्योंकि वो सॉलिड है और सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? ग्रेटर होती है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल नेचर की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का मतलब ये होता है कि मेरे बेटे जैसे स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच करने के बाद रिलीज करेंगे तो आप ये वाला पैटर्न स्प्रिंग के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये इस पोर्शन को जहाँ पे स्प्रिंग पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, इसे कहते हैं रीजन ऑफ हाई प्रेशर। P4 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है किसको आपने लिखना है क्या क्या चीज़ है, और रीजन ऑफ हाई प्रेशर क्या होता है मेरे बेटे? कंप्रेशन। And this region is the region of low pressure. और इसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा rarefaction.
So the region of high pressure is called compression and the region of low pressure is called rarefaction. और अगर हम बात करें यहाँ पे वेव लेंथ की, सो द लेंथ ऑफ वन वेव या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव रेयरफेक्शन, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर। लेंथ की कोई भी फॉर्म आए, ऐसे यूनिट हमेशा क्या आएगा, मीटर। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज वर्ड नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन वन सेकेंड, पासिंग थ्रू इन वन सेकेंड, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमें समटाइम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ साउंड वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, बट जो भी आंसर हम लिखेंगे मेरा बेटा वो हर्ट्स में होगा। फ्रीक्वेंसी है ऐसे यूनिट हर्ट्स। तो यहाँ तक सबसे पहले इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। साउंड वेव्स एक्चुअली इज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड वेव हैव अ लॉन्गिट्यूडनल नेचर, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। दिस इज द कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। और हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, जो इंसान जिस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल ह्यूमन एयर सुन सकते हैं, वो रेंज 20,000 से 20,000 हर्ट्ज है। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिखते हैं, बट एज के बढ़ने के साथ साथ ये रेंज, ग्रेटर रेंज है, जो हायर रेंज है वो कम होती जाती है। समटाइम देखते हैं हमारे बुजुर्गों को बड़ा ऊंची सुनाई देता है। वेल, इसके बाद सारी फ्रीक्वेंसीज की या सारी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी और एम्पलीट्यूड भी। एम्पलीट्यूड मीन कि अगर मैं ये वेव ड्रॉ करूँ ऐसे, सो द हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर कोई साउंड ज़्यादा लाउड होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लाउडनेस की बात भी कर सकते हैं। लाउडनेस हमें बताती है कि साउंड लाउड है या नहीं है, जिसे फेंट है, और इस लाउडनेस का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जितना ज़्यादा होगा, लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड लास्ट में डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर कोई ड्रम हमारे दरवाजे पे बीट किया जा रहा है, बजाया जा रहा है, तो उसका साउंड हमें सुनाई ज़्यादा देगा एज़ कम्पेयर टू अदर वन जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे हो। तो हम सोर्स ऑफ साउंड से जितना करीब होंगे आवाज़ उतनी ऊंची सुनाई देगी। उसके बाद मेरे बेटे यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है पिच। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो कंपेरिजन किया जाता है यहाँ पर श्रिल और ग्रेव साउंड में। अगर लेडीज़ की बात की जाए तो उनकी आवाज़ श्रिल होती है, जेंट्स की बात की जाए तो उनकी आवाज़ ग्रेव होती है। दोनों में डिफरेंस किसका है, पिच का। औरतों की आवाज़ की पिच हाई होती है, नंबर ऑफ साउंड वेव्स ज़्यादा कानों में जल्दी एंटर्ड होती हैं। तो मर्दों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, स्लो होती है। सो द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच। यहाँ तक हमने ये बात कर ली मेरा बेटा। आगे हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द साउंड। तो जैसे हमने बात की कि सॉलिड में स्पीड ऑफ द साउंड क्या होती है, सबसे ग्रेटर, तो मेटल्स में यही स्पीड ऑफ द साउंड होती है। इन मेटल्स 5,000 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में इससे कम होती है, तकरीबन 1,500 मीटर पर सेकेंड, और एयर में यही स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो खुद कंपैरिजन कर सकते हैं, सबसे ग्रेटर स्पीड हमारे पास किस में मिल रही है, मेटल्स में। अब मेटल्स में ग्रेटर स्पीड की रीज़न क्या है, द क्लोजर द पार्टिकल्स विद इन द मीडियम फास्टर द साउंड विल ट्रेवल। द क्लोजर पार्टिकल्स किस में सबसे ज़्यादा है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में आते हैं हमारे पास, गैसेस में। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड। आप स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक सिंपल सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपने दो माइक्रोफोन लिए, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ले लिया 1 मीटर। एक टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आपने अटैच किया हुआ है। जैसे फर्स्ट माइक्रोफोन से आवाज़ जनरेट होती है, ये स्टार्ट हो जाता है,
और दूसरे माइक्रोफोन तक आवाज़ पहुंचती है तो ये रुक जाता है। तो टाइमर ने यहाँ पे एक्टिविटी के मुताबिक जो टाइम कैलकुलेट किया वो 0.03 सेकंड किया। टू माइक्रोफोन सेपरेटेड बाय 1 मीटर और जो टाइम विल रिकॉर्ड बिटवीन वन माइक एंड अदर टाइम टेकन फ्रॉम द साउंड इज 0.03 सेकंड। इक्वेशन यूज़ करें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, एस ओवर टी, एस 1 मीटर है, टाइम 0.03 सेकंड है, तो स्पीड अबाउट आ जाएगी आपके पास 330 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह से हम स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं एकोस, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर वेव्स पढ़ा, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वाइट भी लाइट भी पढ़ते हो, सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इसको हम नाम देते हैं एको का। जब भी हम टॉल बिल्डिंग्स या किसी खाली बिल्डिंग के पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में शाउट करते हैं तो हमें वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, ऐसा होता है, उसे कहते हैं एको। व्हेन द साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड ऑफ अ सरफेस इट जनरेट्स एन एको। ये ओरिजिनल वेव है, हाँ ये ज़रूर होता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आप ये बताएं कि एक वेव जो इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी जब रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी सेम रहेगी या कम हो जाएगी। डेफिनेटली कम हो जाएगी एनर्जी, कुछ ना कुछ डिसिपेट हो जाती, उसी एनर्जी से वो वापस नहीं आ सकता। हाँ ये चीज़ ज़रूर कहेंगे, अगर इसने जाते हुए 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो वापस आते हुए भी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 50 मीटर। तो इस एको मेथड से भी अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखना है तो ये सिंगल डिस्टेंस है, बट एको तो डबल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डबल को हाफ करने के लिए 2 पे डिवाइड कर देती है। ये था हमारा साउंड वेव।